सर कैपेक्स साइकिल क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स साइकिल क्या उसी के अंदर में आता है कैपेक्स साइकिल के अंदर कैपेक्स साइकिल हाँ ओके और दूसरा क्या है आपने पूछा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाँ कैपेक्स है वो दोनों एक ही हैं या अलग अलग है ठीक है ये जो कैपेक्स साइकिल कह रहे हैं इन्होंने कई बार टीवी पे टर्म सुना होगा ये कि कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होने वाला है या अभी हुआ नहीं है या होने की संभावना है उसी से सुना है ना आपने और सर कुछ कंपनीज का भी नाम बता दीजिएगा अच्छा वो भी बता दूँ जो अच्छे हैं साथ ले जाना मुझे घर जो कैपेक्स साइकिल है उसका ये मतलब होता है कि आज एक जो कंपनी है वो एक हमारी इंडिया की इकॉनमी है इंडिया की इकॉनमी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना धंधा लगाती हैं सीमेंट है रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जैसे नाम लिया पोर्ट बनाने वाली कंपनी है बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना एक ऐसा काम खड़ा करती हैं जो कैपिटल जिसमें ज़्यादा जाती है कोई प्लांट लगाना है सीमेंट का उसमें एक बड़े साइज की कैपिटल जाएगी एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है उसमें बड़े साइज की कैपिटल जाएगी एक कोई कंपनी ने अपना कोई काम धंधा खोला हुआ है उसमें एक साइज की कैपिटल जाएगी चाहे टाइल बनाने वाली कंपनी है या कोई भी कंपनी है अब क्या होता है वो कंपनी पैसा लगा के अपनी एक उसमें तैयार करती कि हाँ मैं इसमें इतना सामान तैयार होगा कैपेसिटी जिसको कहते हैं ठीक है अब वो कैपेसिटी के सामने डिमांड होती है कई बार क्या होता है ऐसे फेजेज जो रिसेशन वाले जो फेजेज होते हैं स्लो डाउन वाले जो फेजेज होते हैं उसमें जितनी कैपेसिटी है जो डिमांड है उससे कम होती है तो जब तक कंपनी के पास में अगर मान लो 100 रुपए का माल तैयार हो रहा है और डिमांड है 60 रुपए की तो कंपनी नया प्लांट क्यों लगाएगी जरूरत नहीं है ना उसको आप भी बिजनेसमैन अगर हो गए तो पता क्यों लगाऊंगा मैं प्लांट वो नया लेकिन कंपनी जैसे देखती है कि 100 रुपए का सामान बना रही हूं 80-85 रुपए का सामान तो कल ही बिक रहा है और फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़ेगा ये तो 150 रुपए तक जाने वाला है तो कंपनी आज ही जैसे ही उसका जो अभी तक उसके बाद अपना रेडी कैपेसिटी है उसका 85% तक पहुंचने की कोशिश करती है उसको एक नया प्लांट लगाने की जरूरत पड़ती है इसको बोलते हैं कैपेक्स कैपिटल लगाया और उसने 85-80% के पास पहुंचते ही उसको नया प्लांट लगाने की जरूरत होगी क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरे पास इतनी डिमांड तो रोज आ रही है और फ्यूचर में इसके बढ़ने की संभावना है तो आज ही मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे प्लांट लगाना है या नहीं लगाना तो अगर जैसे ही इकॉनमी में डिमांड आनी शुरू होती है तो कैपिटल कंपनियां जो है लगाने की कोशिश करती है कैपिटल कहां से लाएगी कंपनी या तो स्टॉक मार्केट से उगाएगी या बैंक से लोन लेगी ठीक है बैंक से लोन लेगी तो बैंक का धंधा बढ़ेगा कुछ स्टॉक मार्केट से लेके जाएगी तो अपने स्टॉक लेके आएगी कैपिटल लाएगी उस कैपिटल से अपना एक्सपेंशन करेगी एक्सपेंशन करेगी किस सोच पे कि डिमांड आ रही है तो ये एक तरह का इंडिकेशन है जो बिजनेसमैन आदमी है उसके पास अगर उसका जूस का धंधा है उसे लगता है मैं 200 ग्लास रोज जूस बनाता हूं और मेरे 190 ग्लास तो रोज बिक जाते हैं और फिर भी ग्राहक कुछ आते हैं और मेरे पास होता ही कुछ नहीं खाली जाते हैं तो वो क्या करेगा एक मशीन और लगाएगा 100 ग्लास की तो वो मशीन जो लगा रहा है वो इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि उस पर लोग आ रहे हैं तो कैपिटल साइकिल जब शुरू होती है इकॉनमी के अंदर आनी तो ये हमें कहीं ना कहीं एक वो इंडिकेशन है जो हमें वैसे पता नहीं चल रहा आज हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहा वो लेकिन उस कंपनी को पता चल रहा है कि मेरे पास डिमांड आ रही है तो कैपिटल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो यानी वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है इट मींस उसे डिमांड आ रही है और डिमांड आने की संभावना है ये एक बेहतरी की तरफ जाता हुआ इंडिकेशन माना जाता है तो जब भी ये साइकिल घूमती है साइकिल होती है एक कंपनी ने मान लो आज 200 जूस का ग्लास बनाती थी 100 की और कैपेसिटी लगा ली अब अगले 6 महीने में तो जरूरत ही पड़ेगी ना तो वो साइकिल वो पीरियड ऐसा होगा जहां उसकी जो कैपेसिटी तैयार है उतनी डिमांड आ रही है फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो जूस के ग्लास की 300 की डिमांड हो जाएगी फिर उसको दोबारा एक प्लांट लगाना पड़ेगा फिर वो साइकिल शुरू होगी तो अभी हमारे इंडिया के अंदर पिछले 10 साल में जो साइकिल थी वो रुकी हुई थी कैपेक्स की
क्योंकि उससे 10 साल पहले जितनी कैपेसिटी क्रिएट हुई थी उसकी डिमांड उतनी नहीं आ रही थी, और आ रही थी वो फुलफिल हो रही थी कहीं ना कहीं। अब क्या है, हमारी साइज भी बढ़ता जा रहा है, हमारे लोगों का, हमारी पॉपुलेशन का, पता ही 10 साल पहले की और आज में फ़र्क है। और मैंने पिछली बार बताया था एक ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं हम एक ही मैन्युफैक्चरिंग, हमें एक ही चीज़ आती है बनानी, मेक इन इंडिया, हम उसमें ही करते हैं सिर्फ तो आदमी तो हम बढ़ा लेते हैं बहुत सारे तो हर 10 साल में हमने बढ़ा लिया आदमी बहुत, अब डिमांड आ रही है तो डिमांड आएगी तो कंपनी कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंशन करने की सोचेगी। तो ये 10 साल पिछले ऐसे निकल चुके हैं जिस फेज में कंपनियों ने कैपेक्स नहीं ऐड किया, यानी नई कैपिटल जो है डिप्लॉय नहीं हुई है। तो एनालिस्ट को इस तरह की संभावना है, मुझे भी इस तरह की संभावना है, हमारे ग्राफ पे चार्ट पे भी इस तरह की संभावनाएं उभर रही हैं कि कहीं ना कहीं वो कैपेक्स साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। कैपेक्स साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने का सीधा मतलब ये है कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप एक डिमांड का बड़ा बूस्ट देख सकते हैं। डिमांड का बूस्ट आ सकता है बड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कंपनियां तो वही काम कर रही हैं, वो रिफ्लेक्शन आएगी, फिर आपके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, तो हर चीज कनेक्टेड है एक चीज से। और इंटरेस्ट रेट इस समय लो है तो और फायदा है कैपिटल लगाने वाले को, क्योंकि बैंक से लोन सस्ता मिलेगा। कैपेक्स साइकिल उस समय ज्यादा अच्छी चलती है जब इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे होते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा सर ने कि इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं, 6% 5% पे आ गए, तो उस समय बहुत अच्छा मौका है। तो एनवायरमेंट जो है वो पूरा इस चीज के लिए रेडी है कि अब जो कंपनियां और कैपेसिटी ऐड करें। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है उससे और ज़्यादा बूस्ट मिलता है इकॉनमी को। आज आपको पता है गवर्नमेंट अगर अपना रोड पे पैसा लगाना शुरू करती है तो रोड पे पैसा लगा के खाली ये नहीं है कि उसने रोड बना दी, और एक सड़क बनती है ना सर तो 5 घरों को काम मिलता है, और एक सड़क जब पूरी हो जाती है तो 40 घरों के पेट पलते हैं, क्योंकि उस सड़क से होने वाला व्यापार, आने जाने की कन्वीनियंस और चीज़ें जो बनती है ना वो बहुत कुछ लेके आती है। जहाँ पर पहले रोड नहीं थी वहाँ रोड अगर आ जाती है तो बहुत सारा फायदा मिलता है उससे। तो गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंस करती है इन चीज़ों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड, फ्लाईओवर्स, ये वो जो होंगे, तो आप समझो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं इकॉनमी को मिलता है, सब चीज़ों को मिलता है। आज यहाँ के रहने वाले कितने लोग हैं, जो हमारे यहाँ दिल्ली के कितने रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता, आज जितनी गाड़ियाँ रोड पे आप देख रहे हो उतनी हो सकती थी? आज से 10 साल पहले यहाँ फ्लाईओवर के नाम पे 5-10 थे मुश्किल से। आज आप पूरी दिल्ली में कहीं पे भी निकल जाओ, आपको हर जगह बड़े बड़े फ्लाईओवर्स मिलेंगे, ट्रेन आ गई, हर जगह पहुंच गई। क्या हुआ है उससे? उससे हुआ क्या है? उससे क्या है, इकॉनमी का साइज बढ़ा है दिल्ली की, गाड़ियां बढ़ गई, लोग बढ़ गए, आना बढ़ गया, काम बढ़ गया, धंधा बढ़ गया, तो ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कैपेक्स साइकिल का मतलब ये है कि कंपनियां कैपिटल जो डिप्लॉय कर रही है, कमिट कर रही है कि हाँ मेरे को नया प्लांट लगाना है। आज आप 5 रुपए की सब्जी भी लेने जाते हो तो 5 बार एनालाइज करते हो उसको लेंस लगा लगा के, 200 रुपए के सेब लेते हो तो 2 बार देखते हो ये लाल कम है, लाल पीला है, ऐसे है वैसे है, धूप में देखो, हाँ छाए में देखो, तो करते हो। एक कंपनी 200 करोड़ लगा रही है वो नहीं एनालाइज करती, एक कंपनी 2000 करोड़ लगा रही है वो एनालाइज नहीं करेगी कि मैं करूं या ना करूं। तो उसने अगर ये सोच लिया है, कमिट कर लिया है वो कैपिटल, इट मीन्स उसने एनालिसिस कर लिया है कि ये सब चीजें हो रही है, होनी है आगे, तो वो हम पहले इंडिकेशन मान के चलते हैं कि ये अर्ली साइन है कहीं ना कहीं ग्रोथ के। तो कैपेक्स साइकिल जब रिवर्स होती है तो वो अर्ली साइन होते हैं ग्रोथ के। तो जब भी आपको लगता है कि इस तरह की कंपनियों के अंदर बूस्ट आ रहा है, वो अच्छा रहता है, बेहतर रहता है।